आइए मैं अब आपको गजल के माहौल में लाता हूँ। वही गजल जिसमें बहते हुए पानी की रवानी भी है, वही गजल जिसमें शोला भी है और शबनम भी है, वही गजल जिसमें कैद भी है और मस्ती भी है, वही गजल जो अदब और साहित्य की ऊंची चट्टान से गिरा हुआ एक ऐसा झरना है जिसमें न जाने कितनी मासूम दोशीज़ाएं अपने रेशमी पाल खोले डूबती उभरती नजर आती है, वही गजल जो जहनों को महकाने वाली खुशबू भी है और दिलों को तड़पा देने वाला दर्द भी, वही गजल जो नए पुराने जख्मों को छेड़ती भी है और मरहम भी लगाती है, वही गजल जिसमें रूह को तस्कीन देने वाली एक नाकाबिले बयान लज्जत भी है, वही गजल जो एक महकता हुआ वह फूल है जिस पर ख्यालात की शबनम टपकती है और लफ्जों के मोती बिखरते हैं, वही गजल जिसमें हुस्न मुस्कुराता है इश्क पहलू बदलता है धड़कने अंगड़ाइयां लेती है, वही गजल जिसमें सदियां करवटें लेती हैं लम्हे मचलते रहते हैं और वक्त जागता रहता है। आइए उर्दू सिंफ सुखन की सबसे मकबूल सिंफ सुखन गजल के दौर का आगाज करते हैं और सबसे पहले मुलाकात करते हैं आप ही के दयार की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान शायर जनाब अजमल सिद्धार्थ नगरी से। मैं उन्हें आवाज सुखन दे रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाए और बाहरिया दौर का आगाज करें एक चार मिसरों के साथ के वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे जिसकी तस्वीर में कागज में बना भी न सका उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। इस्तकबाल कीजिए आपका अपना शायर माइक पर। अजमल तुम्हारी धरती है मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इंसाफ भाई आपकी मोहब्बत का। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे में काम नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया तमामी दोस्तों का। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ बड़े भाई साहब सिराज चांद साहब को जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। चार किसरे पढ़ता हूँ और तमाम दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे तमाम दोस्त मौजूद हैं सबकी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास समाज फरम पाए मन से सबकी दुआएं चाहता हूँ जितने भी शायर सबकी दुआएं चाहता हूँ। एक तेरा मुझे अता कर दे एक कतरा मुझे अता कर दे एक कतरा मुझे अता कर दे है बहुत कुछ तेरे खजाने में है बहुत कुछ तेरे खजाने में कैसे दिल से उसे जुदा कर दूं एक मुद्दत लगी है पाने है पाने बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया शकीर भाई दिलसाद भाई जमील खान साहब ग्राम मास्टर साहब और हमारे बड़े भाई हमारे करीबी दोस्त इजहार अहमद जिला पंचायत सदस्य और काफी दोस्त यहाँ पर अल्ताफ अशरफ भाई गुलशाद भाई। शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मां फरमाए कितना मुझे अता कर दे है बहुत कुछ तेरे खजाने में कैसे दिल से उसे जुदा कर दूं एक मुद्दत लगी है पाने बहुत अच्छी बात बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मां फरमाए दिल तोड़ने आए हो दिल तोड़ने आए हो दिल तोड़ने आए हो दिल तोड़ के जाओगे दिल तोड़ने आए हो हमको
तुम छोड़ के जा, बहुत अच्छी तुम छोड़ के जा, क्या कहना चाहते हो, दिल तोड़ने आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दाहिनी साइड में बैठे हुए हमारे बहुत ही अच्छे बड़े भाई नादिर सलाम साहब, बड़े भाई डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआएं चाहते हो, आप लोग की दुआएं हैं जो आपका छोटा भाई यहाँ पर मंच पर हिम्मत करके मुशायरा यहाँ से लेके मुंबई तक मुशायरा पढ़ता है। आप लोग की दुआएं हैं, आप लोग की मोहब्बत है, जो आप लोग जी शादी दिल तोड़ने आए हो, दिल तोड़ के जाओगे है हमको पता एक दिन तुम छोड़ के जाओगे। और ये शेर बतौर खात्मा फरमाए, मत देखो मोहब्बत से दिल मेरा धड़कता है, मत देखो मोहब्बत से। बहुत बहुत शुक्रिया। मत देखो मोहब्बत से, मत देखो मोहब्बत से दिल मेरा धड़कता है, दिल मेरा धड़कता है, मालूम है के दिन तुम मालूम है के दिन तुम मुड़ के जाए। बेफल लड़कियों के लिए शहर है, आप लोग मालूम है के दिन तुम मुड़ के जाओगे, दिल तोड़ क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया दिल साथ भाई आपकी मोहब्बतों का। शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास मत फरमाए। ये मिश्रा बहुत ही भारी मिश्रा है, जमील भाई, यार भाई और यार बिल्डर साहब, और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी है साहिद सिराज साहब, जिन्होंने काफी मेहनत से इस महफिल को सजाया, मुझे फोन करके मुंबई से यहाँ पर बुलाया। मेरा फर्ज है, मेरे गाँव का प्रोग्राम है, मुझे हिम्मत होती है आप लोग की दुआएं हैं कि मैं इतना जो कुछ भी नाम कमाया, आप लोग की दुआएं हैं, सिद्धानगर वालों की दुआएं हैं। शेर पढ़ता हूं बतौर खास मत फरमाए, तड़पेंगे मोहब्बत में रोएंगे कयामत तक, क्या कहना, क्या कहना, मोहब्बत में क्या हौसला है, वाह 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 वाह, क्या मिश्रा है, तड़पेंगे मोहब्बत। ये मिश्रा बहुत भारी है, पूरे जितने पिंडाल में पब्लिक बैठी हुई है सबकी दुआएं इस मिश्रे पे चाहता हूँ जी इरशाद अली। तड़पेंगे मोहब्बत में रोएंगे कयामत, क्या कहना, तड़पेंगे मोहब्बत में, तड़पेंगे मोहब्बत में, तड़पेंगे मोहब्बत में रोएंगे कयामत तक, रोएंगे कयामत तक, एक गले जब रिश्ता तुम जोड़ के वाह